अब मैं जिस शख्सियत को स्टेज पर दावत देने लगा हूं, यह बहुत मुश्किल है। कलमाए हक बुलंद करना आज के दौर में, खास तौर पे अपने ओहदे को छोड़ना कोई छोटी बात नहीं है, या ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना जो कलमाए हक बुलंद किए हुए हैं। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा इनके बारे में, सिर्फ ये कहूंगा कि फूल पत्ते समर नहीं रहते, फूल पत्ते समर नहीं रहते, आंधियों में शजर नहीं रहते, जोर बातिल में हक परस्तों की बात रहती है, सर नहीं रहते। जनाब शाह कुरैशी साहब, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब चेयरमैन इमरान खान साहब, जनाब हामिद खान साहब, शादाब जाफरी साहब, प्रेसिडेंट आईएलएफ पंजाब और आईएलएफ के मुख्तलिफ अजलास से तशरीफ लाए हुए वकला ख्वातीन हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। कोई एहसास है कि वक्त नहीं है, मैं बहुत ही मुख्तसर बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं आईएलएफ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पार्टी की जानिब से कि आपने एक मुनफरद काम सरंजाम देने का फैसला किया है, और पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा कोई सियासी जमात इस नौइयत के इंतखाबात करवा रही है, और इंटरनल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान की सियासत में मुतारफ करवा रही है। ये एक तारीखी लम्हा है जिसकी आप हिस्सादार बन रहे हैं, और आपकी मदद और आपकी मावनत से ये सारा जो प्रोसेस है वो मुकम्मल होगा, और मैं समझता हूं कि तरीके इंसाफ आपकी शुक्रगुजार है। दूसरी बात जो मर्ज करना चाहूंगा वो ये है कि वकला बिरादरी एक ऐसी बिरादरी है जो इलेक्शंस लड़ना जानती है, जिनमें बर्दाश्त है, और बड़ी खुश असलूबी से आपने कंसिस्टेंटली इलेक्शंस करवाए हैं। जब इस मुल्क में आमरियतें थी, जब इस मुल्क में सियासी पॉलिटिकल एक्टिविटी पर कदगन थी, तब भी अगर कोई मुल्क में इलेक्शन मुतवातिर होते रहे हैं, तसलसल से होते रहे हैं, तो वो हमारी बार के इलेक्शंस थे। तो आपने पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक कल्चर को इंट्रोड्यूस करने में एक बड़ा अहम रोल किरदार और बड़ा अहम किरदार अदा किया है। मुझे यकीन है कि इस किरदार को आप जारी रखेंगे, और न सिर्फ इसको जारी रखेंगे, आज जो नया पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में बनाने जा रही है, उस पाकिस्तान की बुनियाद जब रखी जा रही थी तो आप वकला ने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए जो जद्दोजहद की, उसने पाकिस्तान की सियासत को एक नया रुख दिया। और आज जो रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, आज जब कानून की हुक्मरानी की बात हो रही है, आज जब अदलिया बरमला कह रही है कि वो आईन पाकिस्तान का तहफ्फुज़ करेगी, आज जब ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, आज जब मिसिंग पर्सन की बात हो रही है, आज जब इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर करवाने की बात हो रही है, हम बहसियत पाकिस्तान के शहरी मुतरफ हैं कि इस सारी दास्तान में अगर कोई नुमाया किरदार है तो पाकिस्तान की वकला बिरादरी का है। मुझे यकीन है कि आज जो आप एक काम सरंजाम देने जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा आपने कदम उठाया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं जिस शख्सियत को अब यहां दावत कलाम देने लगा हूं, उनके बारे में या उनकी शख्सियत को बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, वो अपनी पहचान है। मैं सिर्फ उनके बारे में ये कहूंगा कि मेरे कारवां में शामिल कोई तंग नजर नहीं है, मेरे कारवां में शामिल कोई तंग नजर नहीं है, जो न मर मिटे वतन पे मेरा हम सफर नहीं है।
दर गैब पे हमेशा उन्हें सर झुकाए देखा, दर गैब पे हमेशा उन्हें सर झुकाए देखा। कोई ऐसा दाग सजदा मेरे नाम पर नहीं है जनाब खान साहब। जनाब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, जनाब मेम्बरान इलेक्शन कमीशन तसीम नूरानी साहब, अहमद अवैस साहब, जनाब पंजाब आईएलएफ के सदर जनाब शादाब जाफरी साहब और आईएलएफ के इजलास से आए हुए सदूर और उनके साथ दूसरे अहदेदारान, मैं आप सबका ममनून हूँ कि आज आपने यहाँ पर आईएलएफ का कन्वेंशन सजाकर एक मौका दिया है कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के तरीक़ाकार को आपसे मुतारिफ कराएं। आज ये फंक्शन बुनियादी तौर पर खान साहब को, चेयरमैन साहब को यहाँ पर तकलीफ दी थी कि हम चाहते हैं कि पार्टी का ये हरामी दस्ता, पार्टी के वकला जिन पर पार्टी की ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पाकिस्तान भर में कराएंगे, उनको मोटिवेट करने के लिए हमें आपकी इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। आज खान साहब को, अपने चेयरमैन साहब को हमने यहाँ पर इसलिए दावत दी है और तकलीफ दी है। मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूं कि ये प्रोसेस बहुत मुश्किल, जैसे कि कुरैश साहब ने फरमाया, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली पार्टी है जो कि अपने अंदरूनी इलेक्शन कराने जा रही है और इसकी जिम्मेदारी जो है ये पार्टी के वकला को दी गई है। मैं पार्टी का, पार्टी की लीडरशिप का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने वकला कम्युनिटी पर इतना बड़ा इस्तेमाल किया है। जब इस्तेमाल किया जाता है तो हमें भी उतनी ही कोशिश करनी है कि हम पार्टी के इस्तेमाल पर पूरा उतरें। ये तो बात में पाकिस्तान में बारहा मार्शल्ला लगने की वजह से, सिविल ब्यूरोक्रेसी की यहाँ पर साजिशों की वजह से, यहाँ पर फ्यूडल्स जो कि पाकिस्तान की तहरीक में डिफीट हुए थे उनकी रिवाइवल की वजह से, उनके कब्जे की वजह से और बाद में दुकानदारों की दौलत की वजह से हमारे यहाँ दौलत की सियासत शुरू हो गई और वकील और दूसरे प्रोफेशनल्स, पढ़े लिखे लोग इस सियासत के मैदान में पीछे हट गए। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारी पार्टी ना फ्यूडल्स की पार्टी है, ना हमारी पार्टी किसी दुकानदारों की पार्टी है। ये मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, सोचने वाले इंटेलेक्चुअल्स उनकी पार्टी है और आप जो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला पार्टी कभी आपकी इस खिदमत को कि आपने खुश रूपी से यहाँ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया है, ये पार्टी इंशाल्लाह कभी आपके इस रोल को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इंशाल्लाह ताला वकला इस पार्टी का एक बहुत अहम हिस्सा है और रहेंगे, और ख़ासतौर पर मैं ये कह सकता हूँ, कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि आप ज़्यादातर लोग वो हैं जो उस वक्त हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं जब पार्टी के अंदर लोगों का शमूलियत का एक सिलसिला नहीं शुरू हुआ था, उस वक्त आपने इस पार्टी पर फेर किया है, इस पर एतमाद किया है। जब अभी हमारे अंदर सुनामी नहीं आई थी, अब हम ही सुनामी पैदा कर रहे थे और आप उस सुनामी के नतीजे में यहाँ नहीं है, आप अपनी कन्विक्शन की वजह से यहाँ आए हैं और इंशाल्लाह ताला इसी कन्विक्शन और इन असूलों पर आप इसका हिस्सा रहेंगे और इसका एक बहुत मजबूत सतून के तौर पे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।